यहाँ पर क्या हो रहा है सर? यहाँ पर मंदिर बनाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मंदिर बनाए जाते हैं। जी, आपके सामने ही कुछ जो वर्क हो रहा है, कुछ तैयार किए हुए रखे हुए हैं। आपको लेकर आया हूँ यहाँ पर मार्बल टेबल टॉप या सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल टॉप जो है वो हमारे तैयार किए जाते हैं। ये हमारी पॉलिस्टर की यूनिट है। यहाँ पर मार्बल्स के ऊपर एक पॉलिस्टर की जो लेयर है उसको डालकर मार्बल को एक्स्ट्रा शाइनिंग देने का काम किया जाता है, कोरियन के मंदिरों की तरफ। ठीक है, तो जो कि इस समय सबसे ट्रेंडिंग में है और एक से एक डिजाइन, एक से एक ऑर्डर पर जो भी साइज आप चाहेंगे वो मैं कस्टमाइज करके आपको दूंगा। मार्बल के टेबल टॉप्स हैं जो कि डाइनिंग टेबल या सेंटर टेबल, ये भी हमारे खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। और ये सर बाल हैंगिंग पैनल होते हैं। बहुत से कस्टमर हमारे ऐसे होते हैं जो अपने किसी इष्ट देव की या किसी गुरु जी की सिर्फ पैनल चाहते हैं कि हम दीवार में फिक्स करके उनकी पूजा कर सकें या उनकी आराधना कर सकें, या अपने किन्हीं बुजुर्गों की, किन्हीं मान लिया उनके जो दादा परदादा रहे हों उनकी भी अगर वो फोटो हमसे बनवाना चाहते हैं तो सर उनकी भी फोटो हम उनको बना के देंगे। करीब 5.5 फीट by 2.5 फीट का मंदिर है। 5.5 फीट इसकी हाइट है और 2.5 फीट इसकी विड्थ है। ओके, तो कैसे स्क्वायर फीट रहता है सर? अराउंड ऐसा होता है कि जितना मटेरियल हमारा मान लिया खर्च होता है मंदिर में, तो उस मटेरियल के अकॉर्डिंग हम अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और उस हिसाब से। फिलहाल मैं मार्केट से सबसे सस्ते रेटों पर मंदिर प्रोवाइड कराता हूं क्योंकि मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। okay. और मैं किसी थर्ड पार्टी से आउटसोर्स नहीं करता। कोई व्यक्ति ये कहता है कि इस पे धुआं लगेगा, ये काला नहीं होगा, अगर आप इसको साफ नहीं करेंगे तो ये डेफिनेटली काला होगा। ये सर एक बेहद ही खूबसूरत और नई ट्रेंडिंग का मंदिर है। आप ये देखिए कि इसके ड्रॉअर अंदर फिक्सेबल, कि यहाँ पर डबल सीट का यूज किया गया है। okay. एक सीट पहले पीछे लगी हुई है, उसके बाद ये ऊपर सीट लगी हुई है। आप ये चेक करिए कि इसको कितनी बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है, कितना बेहतर तरीके से। तो भाई बात ऐसी है, कुछ घर ऐसी एक नए दिन के साथ एक नई जगह आए हैं, नई जगह के साथ साथ नए प्रोडक्ट से आपको रूबरू करवाने वाले हैं। भाई त्यौहार आ रहा है, त्यौहार में क्या है, लोगों को मंदिर चाहिए। तो लो जी भाई, आपको अगर मंदिर चाहिए, आपको मंदिर का रिक्वायरमेंट है, तो मैं लेकर आया हूँ कोरियन पत्थर में मंदिर जो कि कस्टमाइज हो जाता है। जी हाँ, कस्टमाइज का मतलब है यहाँ का खुद का ही हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो भी साइज आपको रिक्वायरमेंट है उस साइज में यहाँ पर मंदिर आपको बना के तैयार करके दे दिया जाएगा। सेकेंड, आप ये वीडियो कहीं से भी देख रहे हो, पैन इंडिया डिलीवरी करते हैं, पार्सल आपके सही सलामत आपके घर तक आएगा। अगर बात कर ले जाए कंपनी के, तो मैं लेकर आया हूँ होम आर्ट एंड क्राफ्ट में जो कि कीर्ति नगर में लोकेटेड है। आइए मिलते हैं, मिलाते हैं यहाँ के ओनर से, जानते हैं घर बैठे आप मंदिर कैसे मंगवा सकते हो। तो हेलो सर, कैसे हो? सर मैं बढ़िया हूँ। आप इस समय आए हुए हैं हमारी होम आर्ट एंड क्राफ्ट दिल्ली कीर्ति नगर में, जो कि हमारा डिस्प्ले यूनिट है। ये 10/61/1 फर्स्ट फ्लोर। यहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ कोरियन के मंदिरों की तरफ। ठीक है, तो जो कि इस समय सबसे ट्रेंडिंग में है और एक से एक डिजाइन, एक से एक ऑर्डर पर जो भी साइज आप चाहेंगे वो मैं कस्टमाइज करके आपको दूंगा। ओके, यानी जो साइज हमें रिक्वायरमेंट रहेगी वो साइज का आप बना के तैयार करते हैं। जी हाँ, जी हाँ सर, ये मोस्टली कस्टमाइज ही होते हैं, कस्टमर की साइज और उसकी डिजाइन के अकॉर्डिंग ही कस्टमाइज होते हैं। डिस्प्ले में कुछ इसलिए रखे जाते हैं ताकि अगर कस्टमर को रेडी टू स्टॉक में अर्जेंट में चाहिए तो वो ले सकता है, या उसको रेडी स्टॉक में अगर कुछ पसंद आता है तो वो ले जा सकता है। ठीक है सर, मंदिर भी हम देखेंगे क्योंकि सबसे बड़े साइज हैं। मार्बल के टेबल टॉप्स हैं जो कि डाइनिंग टेबल या सेंटर टेबल, ये भी हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और ये भी हमारी फैक्ट्री में कस्टमाइज होते हैं। ओके, और बात कर ले जाए सर यहाँ पर मैं जैसे कि देख रहा हूँ, इसके बारे में भी बताइए। ये सर बाल हैंगिंग पैनल होते हैं। बहुत से कस्टमर हमारे ऐसे होते हैं जो अपने किसी इष्ट देव की या किसी गुरु जी की सिर्फ पैनल चाहते हैं कि हम दीवार में फिक्स करके उनकी पूजा कर सकें या उनकी आराधना कर सकें, या अपने किन्हीं बुजुर्गों की, किन्हीं मान लिया उनके जो दादा परदादा रहे हों उनकी भी अगर वो फोटो हमसे बनवाना चाहते हैं तो सर उनकी भी फोटो हम उनको बना के देंगे। वो सिर्फ मुझे फोटो प्रोवाइड कराएंगे और मैं कोरियन के जो मार्बल में है उनकी फोटो को क्रिएट करके दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको है ना मंदिर हम बड़े दिखाएंगे, उससे पहले हम चलते हैं जो सर के पास रेडी तैयार हैं, तो छोटे से शुरू करते हैं। सर ये 1.5 फीट by 2.5 फीट का मंदिर होता है हमारा। हाँ। ये आप देखिए, इसकी डिटेलिंग दिखाइए कि कितना खूबसूरत है, ना ही कहीं कोई निशान, ना ही कोई दिक्कत। बिल्कुल, और ड्रॉअर भी देने वाला है। हाँ, बिल्कुल, स्पेस भी होता है सर, एक ट्रे होती है, नीचे एक ड्रॉअर होता है। ये मंदिर हमारा
22,500 से स्टार्टिंग हो जाता है। 22,500 रुपए से है सर, ठीक है। साइज क्या बताया सर आपने? सर 1.5 फीट बाई 2.5 फीट का मंदिर है ये। ओके, और ये बगल वाला सर? और ये सर इसकी हाइट समथिंग 3-3.5 फीट है। हाँ, तो ये करीब पड़ेगा आपको 38,000 रुपए का। अच्छा, इसमें भी हमने ड्रोर दे रखा है सर? जी हाँ, सभी में सर ट्रे बिल्कुल सामान है, वहाँ रख सकते हैं इजीली। ठीक है, ठीक है सर, आगे चलते हैं। तो इसके बाद सर देखिए, ये हमारा कैलिफोर्निया का मंदिर रखा हुआ है ये। हाँ, इसकी आप डिटेलिंग दिखाइए कि जूम करके कि कहीं पर भी कोई भी निशान आपको नहीं मिलेगा, जबकि ये बिल्कुल बारीक से टूल का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बढ़िया, और डिजाइन कस्टमाइज हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सर, साइज भी कस्टमाइज हो जाता है। डिजाइन मंदिर की अगर बात करी जाए तो क्या साइज रहेगा सर? ये करीब 7 फीट बाई 4 फीट का मंदिर है। 7 फीट बाई 4 फीट का मंदिर है, इसकी 4 फीट विड्थ है और 7 फीट समथिंग हाइट है। ओके, तो इसमें भी आपने काफी ड्रॉर दे रखे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सारा स्पेस दिया हुआ है सर। यहाँ पर देख रहा हूँ राधा कृष्ण जी का मंदिर है, काफी प्यारा है, लेकिन इसका साइज थोड़ा सर, इसका साइज है ये करीब 5.5 फीट बाई 2.5 फीट का मंदिर है। 5.5 फीट इसकी हाइट है और 2.5 फीट इसकी विड्थ है। ओके, तो कैसे स्क्वायर फीट रहता है सर? अराउंड ऐसा होता है कि जितना मटेरियल हमारा मान लिया खर्च होता है मंदिर में, तो उस मटेरियल के अकॉर्डिंग हम अपनी कास्ट कैलकुलेट करते हैं और उस हिसाब से। फिलहाल मैं मार्केट से सबसे सस्ते रेटों पर मंदिर प्रोवाइड कराता हूं, क्योंकि मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। okay. और मैं किसी थर्ड पार्टी से आउटसोर्स नहीं करता। यहां तक कोरियन भी मेरी खुद की कंपनी का होता है। वायर से लेके चैनल कब्जे जो भी है वो सारे मैं ब्रांडेड यूज करता हूँ, किसी भी चीज में थर्ड पार्टी या थर्ड क्वालिटी का यूज नहीं करता। बिल्कुल, तो सर जैसे कि मंदिर वाइट में है, कोरियन में है, सेकंड मैं जैसे कि यहाँ पर कपूर जलाता हूँ, जोत जलाता हूँ और यहाँ पर भाप लगेगा, ब्लैक होगा, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा? देखिए सर, ऐसा होता है कि दुनिया में वो कोई चीज ऐसी नहीं है जिस पर स्मोक या धुएं का या किसी भी चीज का असर ना हो। अगर हम उसकी पर्टिकुलर सफाई करेंगे बिल्कुल तो कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर कोई पार्टी ये कहती है, कोई कस्टमर ये कहता है या कोई व्यक्ति ये कहता है कि इस पे धुआं लगेगा, ये काला नहीं होगा, अगर आप इसको साफ नहीं करेंगे तो ये डेफिनेटली काला होगा। ओके, अगर आप इसको परमानेंटली किसी व्हाइट कॉटन कपड़े से साफ करते हैं तो इस चीज की गारंटी है कि ये धुएं को ऑब्जर्व नहीं करेगा। ओके, अगर आप इसको साफ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इस पर पानी का कोई असर नहीं होगा, इस पे आपका तेल गिर जाता है तो कोई असर नहीं होगा, ये चीजों को ऑब्जर्व नहीं करेगा। अगर आप इसको साफ नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप किसी भी चीज को साफ नहीं करेंगे तो वो गंदा होगा ही होगा। बिल्कुल सर, ये ड्रोर वाला मंदिर में जैसे कि यहाँ पर देख रहा हूँ, इसके बारे में बताइए। ये सर एक बेहद ही खूबसूरत और नई ट्रेंडिंग का मंदिर है। आप ये देखिए कि इसके ड्रॉर अंदर फिक्सेबल है। ओके, तो ये ड्रॉर अंदर फिक्स हो जाएंगे। ये ड्रॉर अंदर काफी स्पेस नहीं खाने वाला है। उसके बाद आप ये देखिए कि यहाँ पर डबल सीट का यूज किया गया है। okay. एक शीट पहले पीछे लगी हुई है, उसके बाद ये ऊपर शीट लगी हुई है। आप ये चेक करिए कि इसको कितनी बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है, कितना बेहतर तरीके से बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, और बगल में सर ये मंदिर देख रहा हूँ, ये तो काफी प्यारा लग रहा है, काफी खूबसूरत लग रहा है, इसके बारे में बताइए सर। सर ये हमारा इस पर गोल्डन एक्रेलिक का वर्क किया हुआ है। okay. आप यहाँ से इसकी जब हम ये लेमिनेशन हटाएंगे तो ये बेहद ही खूबसूरत और गोल्डन कलर का उभर के आएगा। okay, तो ये अभी अभी हाँ, अभी इसलिए लगा देते हैं ताकि ये गंदा ना हो, स्क्रैचेस ना आए। बिल्कुल बिल्कुल, क्या साइज रहेगा सर? सर इसका 7 फीट हाइट है और 4 फीट इसकी विड्थ है। okay. और इसमें भी स्पेस को बहुत ज्यादा दिया गया है। ये हम लोग मोस्टली इस चीज का ध्यान रखते हैं कि कस्टमर को कहीं स्पेस की कोई समस्या ना खड़ी हो, ताकि पूजा पाठ का जितना भी सामान पूजा की सारी सामग्री वो अपनी एक ही जगह पर व्यवस्थित तरीके से रख सके। बिल्कुल बिल्कुल, और प्राइस क्या बता रहा सर थोड़ा? सर इसका प्राइस पड़ेगा 1,35,000 रुपए करीब इस मंदिर की कॉस्ट आती है। इस मंदिर की कॉस्ट है, ठीक है। यहाँ पर देख रहा हूँ सर ये राधा कृष्ण, यहाँ पर देख रहा हूँ खाटू श्याम बाबा का मंदिर है, तो इनका साइज बताइए पहले तो मंदिर सर, क्या इनका साइज इसकी 5 फीट वर्थ है और करीब 7 फीट हाइट है। ओके, और सर बात करी जाए जैसे कि मैं फिर से एक बार पूछूंगा, कस्टमाइज हो जाएगा? जी हर एक साइज को कस्टमाइज करके देना मेरा काम है। आप अपना सिर्फ डिजाइन दीजिए और अपना साइज दीजिए, कस्टमाइजिंग का काम हमारा है। हम आपको एक से एक बढ़कर लेटेस्ट डिजाइन दिखाएंगे। अगर आप इंटरनेट से कहीं से सर्च करते हैं वो आप मुझे डिजाइन दीजिए, मैं आपको बना के दूंगा। ओके, ठीक है, और कुछ बता रहे थे सर इसकी खूबी खासियत क्या है? इसकी खूबी और खासियत ये रहती है सर कि कुछ लोगों को चाहिए होता है कि वो कलर्ड प्रिंटेड कराते हैं, कुछ लोग चाहते हैं थे वो ब्लैक एंड व्हाइट में लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आपके सामने है राम दरबार, ये
इस तरह से आजकल जो है बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड है इस टाइप के मंदिर की। और आप इसको दिखाइए कि फुल्ली 3D है, फुल्ली 3D है, आप टच करके दिखाइए कि बिल्कुल ओके सर, ये तो पूरा उभरा हुआ है बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। और लेकिन देखने में नहीं लग रहा। हाँ, देखने में नहीं लग रहा है। हाँ, लेकिन ये फुल्ली 3D है, आप देख सकते हैं इसको टच करके, फील करेंगे तो दोस्तों ये सही में उभरा हुआ है बिल्कुल। तो ये 3D में कहीं से भी आपको फोटो में कोई कमी नहीं नजर आएगी, कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि ये वास्तविक नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल रियलिटी। और इसके साथ ऊपर की आप रूफ देखिए कि इसको पूरी तरीके से बाइंड करके बनाया गया है। ओके। ये पार्ट में नहीं है, इसको हीट करके बाइंड किया जाता है। अच्छा, इसी राम दरबार को सेम डिजाइन सेम पैटर्न में मुझे छोटे में बनवाना है। सर छोटे में देखिए, बनाने को मैं आपको बना दूंगा, लेकिन बात ये होती है कि कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं जिनको मुझे स्पेस देना ही पड़ेगा। अगर स्पेस नहीं दूंगा तो फिर वो लुक उनका क्रिएट नहीं हो पाता है और ना ही वो बेहतर तरीके से दिखेगा, अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, इसका साइज मैं कस्टमाइज ये कर सकता हूँ कि इसको मैं चौड़ाई इसकी 5 फीट ना लेकर 3.5 में कर सकता हूँ, हाइट 8 फुट ना लेकर मैं इसको 6 फीट में कर सकता हूँ, 6x3 या 6x3.5 में इसको मैं बेहतर तरीके से क्रिएट करके आपको दे दूंगा। अच्छा, मैं जैसे कि इतना बड़ा राम दरबार किसी को चाहिए बाहर भेजना है तो इतना बड़ा कैसे पार्सल करोगे सर? सर सबसे बड़ी बात यह है कि ये मंदिर बड़ा जरूर होता है, लेकिन ये अलग अलग पार्ट्स में खुल जाता है। ठीक है, जैसे इसकी रूफ अलग हो जाती है, इसका पीछे का पैनल अलग हो जाता है, ये पिलर्स अलग हो जाते हैं, नीचे का चेस्टर जो होता है वो अलग हो जाता है। ओके, तो ये कस्टमर अलग अलग जाएगा तो कस्टमर इजीली इसको असेंबल कर पाएगा? बिल्कुल सर, इजीली होता है, कुछ इसमें इशू नहीं आता। और अगर कोई दिक्कत आ भी रही है तो हमारा जो फैब्रिकेटर है वो वाया वीडियो कॉल और या वाई टेलीफोनिक डिस्कशन करके उसको असेंबल करा देते हैं। बहुत सारे मंदिर हमारे आउट ऑफ इंडिया भी गए हैं तो वहाँ भी इसी तरीके से हमने असेंबल करा दिया। ओके, ठीक है सर। यहाँ पर देख रहा हूँ टेबल टॉप, ये किस सर? ये हमारे फैक्ट्री में ही मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये हमारा खुद का काम, ये भी मैन्युफैक्चरिंग खुद का ही है, ये हमें किसी भी पार्टी से आउटसोर्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके। ये आर्टिफिशियल व्हाइट ओनेक्स होता है और ये ओनेक्स के साथ हमारा ये कंपोजिट मार्बल है, इसके ये रेडी सेंटर टेबल भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अगर साइज क्या रहेगा अगर कुछ आइडिया दे तो? सर 4x2.5 होता है, 4x2, फिर कस्टमर अपनी मर्जी के हिसाब से उसको कस्टमाइज करा सकता है। ये भी कस्टमाइज हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल। ओके, और ये राउंड में है सर? ये सर ये स्टेनलेस स्टील है नीचे? हाँ, ये अगेट होते हैं और ये नेचुरल ओनेक्स है, ये अगेट है, ये बहुत सारी वैरायटीज हैं। उसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये देखिए कि इसके अंदर से लाइट जो है वो ट्रांसपेरेंट रहती है, अगर आप लाइटेड कराते हैं तो इसमें अलग ही गेटअप आता है। ओके, तो ये लाइट का और कॉस्ट और ये नॉर्मल का अलग अलग रहेगा? हाँ, थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। तो इसका कुछ आइडिया देंगे सर प्राइस को लेकर? सर ये मोस्टली स्क्वायर फीट के हिसाब से कस्टमाइज होता है और ये हमारा 4x2 का सेंटर टेबल है। ओके, और जिसकी हाई जो नीचे लेंथ है वो करीब 14 इंच है। ठीक है, ये हमारी 19,500 रुपए से स्टार्ट हुआ। ठीक है सर, मैंने अपने व्यूवर्स को बताया कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग एरिया में लेकर आए हैं जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है आपके कस्टमाइज के अकॉर्डिंग, तो मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूवर्स को वो देखने के लिए। सर इसके साथ साथ मंदिर में जो पिलर्स यूज करते हैं, जो पिलर का डिजाइन होता है, वो बहुत सारे डिजाइन है, आप दिखाइए व्यूवर्स को। ओके, कि इस तरीके से पिलर के डिजाइन नए नए डिजाइन है, जो भी आप चाहें वो भी हम मंदिरों में बना के ओके उनको देते हैं। अच्छा, जो मंदिर में पिलर हम लगवाते हैं तो वो डिजाइन वो भी हम अपने हिसाब से? आप अपने हिसाब से बता सकते हैं या हमारे पास अवेलेबल में जो डिजाइन है उनमें से अगर आपको कुछ पसंद आता है तो वो डिजाइन भी हम क्रिएट करके देते हैं। तो ये भाई मैंने अभी आपको जो दिखाया था वो डिस्प्ले एरिया था जहाँ पर आपने मंदिर देखा, अभी लेकर आए हैं एक फैक्ट्री एरिया में, तो सर हमारे व्यूवर्स को एक बार विजिट करवाओ अपने फैक्ट्री एरिया। सर मैं ओम आर्ट एंड क्राफ्ट से बात कर रहा हूँ, जो कि जिसका फैक्ट्री जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है वो लोकेटेड है दिल्ली कीर्ति नगर में। ये 6x8 इंडस्ट्रियल एरिया कीर्ति नगर, नियर वी एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट बेसमेंट। ओके, यानी जो आपने मंदिर दिखाया वो घर के लिए जो व्यूवर्स को चाहिए वो तो मिलेगा? मिलेगा बिल्कुल, लेकिन कोई बिजनेस के लिए देख रहा है? हाँ बिल्कुल, वो भी बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बिजनेस के पर्पज से अगर आपको होलसेल में चाहिए है तो बल्क में भी ऑर्डर लेता हूं, क्योंकि फैक्ट्री एरिया है इनका, खुद का मैन्युफैक्चरिंग, सारा मैन्युफैक्चरिंग खुद का है। समझ सकते, ये हमारे फैब्रिकेटर हैं जो कि मंदिर दिन रात मेहनत करके मंदिर को बनाते हैं हमारे लिए, व्यूअर्स के लिए, हमारे कस्टमर के लिए। ये यहाँ पे इनका वर्किंग एरिया है। मशीन बताइए किस वर्क में रहता है सर? ये कटिंग के लिए रहता है, डिजाइन के लिए? ये सर डिजाइनिंग से लेके कटिंग तक का ये सारा काम करती है हमारी सीएनसी मशीन है। अभी सेट हो रहा है दोस्तों, आगे चलते हैं सर। यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर?
यहाँ पर मंदिर बनाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मंदिर बनाए जाते हैं। आपके सामने ही कुछ जो वर्क हो रहा है, कुछ तैयार किए हुए रखे हुए हैं और कुछ तैयार हो रहा है। तो ये ऑन ऑर्डर के हैं या बना के? नहीं सर, ये ऑन ऑर्डर के हैं, सारे मंदिर ऑन ऑर्डर। अच्छा, ये ऑन ऑर्डर के? जी हाँ, ये मोस्टली ऑन ऑर्डर ही बनते हैं। ओके ओके, तो ऑन ऑर्डर पे ही मंदिर बनाया जाता है, आप देख सकते हो दोस्तों। एक बार मेरे को आपको ये एरिया दिखाना था ताकि आपको एक बिलीव हो कि जहां से आप ये मंदिर अपने घर के लिए ले रहे हो या बिजनेस करने के लिए ले रहे हो, तो आपको रहन पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग से जब आप कोई प्रोडक्ट लेते हो, कोई आइटम लेते हो, तो आपको रेट वो सबसे सस्ते मिलते हैं। अगर यही आप किसी डीलर से लोगे तो उसके रेट हाई होंगे। तो ये सब था मैन्युफैक्चरिंग एरिया जो कि आपको दिखा दिए। सर आपने अभी मंदिर दिखाया, आप क्या दिखा रहे हो? सर मैं आपको लेकर आया हूँ यहाँ पर मार्बल टेबल टॉप या सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल टॉप जो है वो हमारे तैयार किए जाते हैं। ये हमारी पॉलिस्टर की यूनिट है, यहाँ पर मार्बल्स के ऊपर एक पॉलिस्टर की जो लेयर है उसको डालकर मार्बल को एक्स्ट्रा शाइनिंग देने का काम किया जाता है। ओके, हाँ, यहाँ पर इन पर आप दिखाइए कि यहाँ पर इन पर हम डिजाइनिंग का भी काम करते हैं, जो इस पर इल्ले वर्क होता है और उसके बाद इसे पॉलिस्टर किया जाता है। यानी सारा इन हाउस? बिल्कुल सर, बिल्कुल, टोटल का टोटल मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, खुद तैयार करके देता हूँ। आप किसी भी लेते पार्टी से मैं कोई भी चीज आउटसोर्स नहीं करता। जाहिर सी बात है, रेट भी आप कम दोगे। बिल्कुल सर, मार्केट से रीजनेबल रेट पर मैं चीजों को प्रोवाइड कराता हूँ और मैं बहुत सारी मालिया मार्केट में लोगों को सप्लाई भी देता हूँ। ठीक है, तो सर एक बार फिर से लोकेशन जानना चाहूंगा ताकि व्यूअर्स इजीली आ सके। सर ये स्थित है हमारा दिल्ली कीर्ति नगर में, जो कि पड़ेगा आपको 6/8 इंडस्ट्रियल एरिया कीर्ति नगर में, फर्नीचर ब्लॉक में, थोड़ा आगे आपको आना पड़ेगा। और जो कि अगर लैंडमार्क की बात करूं तो यहां पर नियर में एमजी कार का सर्विस सेंटर है, जो एमजी हेक्टर कार का सर्विस सेंटर है।